ये थिंक अगेन में मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ भाऊ नाम का, जो एमपी है और बड़ा पावरफुल पावरफुल आदमी है ये, और एक एनजीओ चला रहा है। और ये फिल्म का मुद्दा जो है स्टॉप चाइल्ड सुसाइड, काफ़ी सेंसिटिव इशू है ये। और विक्रांत मोरे साहब ने ये स्क्रिप्ट बड़े अच्छे तरीके से लिखी, अच्छा, इट्स अ गुड स्क्रीन प्ले। और अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे यंग एक्टर्स इस फिल्म में हमारे साथ काम कर रहे हैं। और दिव्यलता का जो कैरेक्टर है, जो ये इशू रेज करे कि स्टॉप चाइल्ड सुसाइड, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद अगर बहुत सारे पेरेंट्स को कुछ सीख मिले, बहुत सारे टीचर्स को बहुत कुछ सीख मिले, कि या हमें भी खुद को लगेगी कि हाँ, कि ये स्टॉप चाइल्ड सुसाइड काफ़ी गहरा मुद्दा है और उस पर सबको बारीकी से काम करना चाहिए, बारीकी से ध्यान देना चाहिए, तो ये इस फिल्म की सक्सेस होगी लगता है। और लेट्स से कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा काम हो रहा है और अच्छी फिल्म बनेगी ऐसा लग रहा है। बाकी आप ये यंग एक्टर से पूछो कि अभी उनको हमारे साथ काम करके कैसा लग रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे कैसे इस फिल्म से जुड़े, उसके बारे में बताएंगे। फिल्म से मैं जुड़ा क्योंकि विक्रांत मोरे साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका काफ़ी काम मैंने पहले देखा था, और इसलिए उन्होंने मैंने एक बार उनको पकड़ा। एक दिन जा रहे थे रास्ते से तो बोला, सर मुझे आप पिक्चर में ले लो, तो उन्होंने मुझे ले लिया। म्यूज़िक की बात की जाए तो क्या सॉन्ग सब सिचुएशन रहेगा, गाने जितने रहेंगे सिचुएशन के हिसाब से रहेंगे क्या? गानों के बारे में मुझे पता नहीं, गाने के बारे में पूरे साहब बताएंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आपका आने वाला प्रोजेक्ट कौन कौन सा है? प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ मैं बाजीराव मस्तानी कर रहा हूँ, संजय भंसाली साहब उसके डायरेक्टर हैं, और एक सुधीर मिश्रा की फिल्म है, उसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। और काफ़ी मराठी, मैं मराठी आदमी हूँ बेसिकली, तो मराठी फिल्में काफ़ी कर रहा हूँ, तो एक तीन चार मराठी फिल्में अभी रिलीज़ हो जाएंगी। एक 22 तारीख को फिल्म आ रही है डब्बा स्पाइस, उसके बाद 29 मई को एक फिल्म आ रही है सिद्धांत, तो चल रहा है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहूँगा कि ये फिल्म थिएटर में जाके देखो और थिएटर में जाके पसंद करो, क्योंकि हम लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। और ये काफ़ी सारे जो नए एक्टर्स हैं उनका काम अगर लोग उनको लोगों को पसंद आएगा तो उनको भी आगे जाके अच्छा काम करने की क्या बोलते हैं, इनक्रेजमेंट मिलेगा उससे। और मुझे लगता है कि इन नए बच्चों को उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा इस फिल्म का। और मुझे लगता है कि हमेशा नए टैलेंट को हमको इनक्रेज करना ही चाहिए, कि नया टैलेंट आएगा तो नया नया काम हमको देखने को मिलेगा। नया, अभी जैसे कि विक्रांत भी एक नया डायरेक्टर है, उसकी नई पहली फिल्म है, तो सब लोग अगर फिल्म देखेंगे, फिल्म सराहेंगे, तो अपने आप एक अच्छा नया टैलेंट लोगों को मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू।